नर्मदा में जेएसएससी नगर पालिका संवर्गीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट में गड़बड़ी और परीक्षा का बहिष्कार करने वाले छात्रों पर धनबाद के पुटकी थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिंह का पुतला दहन किया। छात्रों ने मांग की है कि जितनी भी परीक्षाएं जेएसएससी ने ली है सभी की सीबीआई से जाँच कराई जाए और छात्रों के भविष्य के साथ जेएसएससी खिलवाड़ करना बंद करें। साथ ही पिछले दिनों छात्रों पर एफआईआर की घटना की निंदा करते हुए 3 नवंबर को राजभवन घेराव की बात छात्रों ने कही है। छात्र नेता राजा दास ने भी सीएम और जेएसएससी अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया और जोरदार आंदोलन की बात कही। पुतला दहन का मेन कारण है आए दिन जो जेएसएससी में एग्जाम हो रहे हैं उनको धांधली को लेकर और लीक। आए दिन हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एसएससी के जितने भी एग्जाम है ऑफलाइन सेंटर में क्वेश्चन की गड़बड़ी, क्वेश्चन का मिसप्रिंट और क्वेश्चन का सील ब्रोकन, ये तो आम बात है। उसके बाद हाल ही में डीएवी अलकुसा का बात किया जाए तो वहाँ पर 21 छात्र और उसमें से 16 छात्रों को बंधक बनाया गया। किस वजह से? उन्होंने बोला कि सील ब्रोकन हम लोग जो भी एग्जाम है क्वेश्चन वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उस वजह से उनको आश्वासन दिया गया कि आप लोग शांति बनाए रखिए। हम भूतनाथ रजवार जो डीओ हैं हमारे वो तुरंत वहाँ पर पहुँचे और आने के बाद उनका रवैया पूरा चेंज था। आने के बाद उनका रवैया ये था कि आप लोग को जिनको एग्जाम देना है तो ये विरोध और चरणबद्ध चलेगा। जी हाँ, हम लोग 3 तारीख को राजभवन घेराव करने वाले पूरे छात्र संघ मिलके, अध्यक्ष नीरज शर्मा और इनका हेमंत सोरेन जो छात्र के खिलाफ हमेशा गाड़ी सली मानसिकता रखती है, हमेशा छात्रों को निगलने और किचोलने का काम करती है। छात्र इतना मेहनत से अपनी रोजी रोजगार को काट के इतने कष्ट से पढ़ाया जाता है, हमारे झारखंड के आदिवासी मूल बेटा के सपनों को चूर किया जाता है, उस सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको हम लोग चट्टानी एकता देने का परिचय किए हैं। क्योंकि इस प्रकार की हमेशा सरकार की गतिविधि हमेशा हमारे छात्रों के ऊपर इतनी बदसुलूमी की जाती है, इतनी भेड़ बकरियों की तरह इनको ठगा जाता है, छला जाता है, उछला जाता है कि उनका कोई मान लगाया नहीं जा सकता। हर प्रकार से ये छात्र हमेशा कोई भी एग्जाम हो हमेशा छात्र को एग्जाम में हमेशा ठगने छलने और कुचलने का काम किया जाता है। आज एसएससीओं का एग्जाम चला था, कुछ दिन बीती दिनों पूर्व में जो एग्जाम चली थी उसमें पेपर लीक की घटना आती है, छात्र को अगवा करने की घटना आती है। जैसे लगते हैं यहाँ बालू माफिया और कोल माफिया खुलेआम घूमते हैं और छात्र अगर इनका विरोध करते हैं तो छात्र को मारा जाता है, पीटा जाता है और उनको अगवा करके उनको बंधक बनाया जाता है। इस प्रकार के उस सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि इस प्रकार की आपकी गली साली मानसिकता रही तो ईट पे ईट बजाने का काम करेंगे। और ये बता देना चाहते हैं विनोद बाबू के तर्क पे हम लोग पढ़ना सीख गए हैं, आप सरकार को लड़के मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सरकार के जो मुखिया है उनका हमने पुतला दहन किया है और जेएसएससी अध्यक्ष का पुतला दहन किया है और इसके पीछे कारण केवल यही है कि हमारा एक ही मांग है, झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब में सीबीआई का जांच किया जाए क्योंकि हमें यहां क्लियर नजर आ रहा है कि धांधली हुआ है। आप कैसे देखिए, अब अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एग्जाम हुआ अकाउंटेंट का उसमें आप सब देख सकते हैं उसमें सील खुला हुआ मिला, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी वायरल हो रहे हैं व्हाट्सएप में कि आपको 10 लाख दीजिए, 5 लाख दीजिए, कहीं ना कहीं कुछ तो लूप हॉल है। आप इसको कहीं ना कहीं क्लियर तो करना होगा, सरकार को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा और पूरा झारखंड का छात्र इसके खिलाफ एक उग्र आंदोलन हम लोग 3 तारीख को करने जा रहे हैं। रांची में राजभवन का भी घेराव है, केवल यहीं पर हम पुतला दहन करके शांत होने वाले नहीं है। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू जहाँ अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।